सो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो बोला है, इन्होंने कहा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्वेश्चन हमें गिवन है 8x + 5y = 9 और सेकेंड गिवन है 3x + 2y = 4। ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्सटीट्यूशन दोनों से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। सब्सटीट्यूशन मेथड में देखो हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, जैसे हम पहले लेक्चर्स में करते आए हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैं इक्वेशन सेकंड रिकमेंड करता हूँ क्योंकि छोटी इक्वेशन है, वैल्यू यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो 4 ये हो गया 2y और x की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2y / 3। अब ये इक्वेशन हमारी आ गई, इसको कह देंगे कंडीशन फर्स्ट। अब इसको इक्वेशन अपन किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 8x की जगह हमने रखा 4 - 2y / 3 + 5y = 9। अब देखो 8 × 4 = 32 माइनस ये हो गया 16y / 3 + 5y / 1 कर देते हैं = 9। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 32 - 16y और ये 3 × 5 = 15y = 9। अब देखो -16 + 15 तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया यहाँ पर 1y, माइनस का 1y और ये 32 कंटिन्यू चल ही रहा है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 3 कितना हो गया, 27 हो गया। अब देखो माइनस का 1y = यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 27 माइनस का 32। तो इधर आ रहा है -5, इधर आ रहा है -1y, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो y मुझे कितना मिल गया फाइनली, y मेरी वैल्यू यहाँ पर आ गई है 5। अब y मैंने निकाल लिया तो हम x भी जनरेट कर सकते हैं। तो देखो x कितना है हमारा, x = हमें गिवन था 4 - 2y की जगह रख दें 5/ में कितना आ जाएगा 3। तो सॉल्व करें तो 4 - 2 = 5 हो गया 10/3। तो सॉल्व करेंगे तो 4 - 10 कितना हो गया, -6/3, यानी कि अपना आंसर आ गया है -2। तो ये हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे अपन, तो a1 b1 और c1 की जो वैल्यू है वो जनरेट कर लेंगे। तो देखो a1 कितना है हमारे पास, a1 है हमारा 8 और b1 कितना है 5 और c1 कितना है, c1 है -9। आपको मैंने बताया था इधर लेके आया करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त। a2 हमारा कितना हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 और c2 कितना हो जाएगा यहाँ पर -4। तो आगे वैल्यू रख देते हैं। अब देखो b1 c2 तो b1 हमारा कितना है 5 × c2 हो जाएगा अपना -4, माइनस का यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा b2 c1 कितना है 2 और c1 कितना है -9। यहाँ पे हम देखें तो c1 हमारा है -9 × a2 हो जाएगा हमारा 3 और माइनस का c2 है -4 और a1 कितना है 8। ये हमने कर दिया। इधर देख लेते हैं अपन a1 कितना हो जाएगा 8 × b2 हो गया अपना यहाँ पर 2 माइनस का a2 b1, तो 3 × हो जाएगा यहाँ पर 5। ये हमने कर दिया। देखो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो x/ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, माइनस का 20 हो गया यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस का कितना हो गया 18। यहाँ पे हम देखें तो y/ये कर देंगे 9 × 3 = 27 या -, प्लस का हो जाएगा कितना 4 × 8 = 32। इधर चेक करें तो 1/ये हो जाएगा कितना 16, ये हो जाएगा 3 × 5 = -15। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी कितनी, माइनस का 2 हो जाएगा। इधर देखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी प्लस का 5 और यहाँ पे हम देखेंगे तो 1/ये हो जाएगा 1। अब दोनों को इक्वल रख देते हैं, है ना। तो अब देखो इस x = -2 था ना हमारा, उस x - 2 को हमने रखा किसके इक्वल, 1/1 के। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई फाइनली, x आ गया हमारा -2। सिंपली ऐसे y और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा 5। तो देखो आंसर सेम ही आना था, बस हमने मेथड दोनों ट्राई करें सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 5 पार्ट से पहला पार्ट हमें कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक हॉस्टल में एक मिनिमम मंथली चार्जेस जो फिक्स होते हैं वो तो लगेंगे ही, उसके अलावा जितने दिन वो मेस में फूड ले रहा है तब उसका एक्स्ट्रा चार्ज और काउंट किया जाएगा। आगे इन्होंने कहा अगर
20 दिन रुक रहा है तो उसको 1000 रुपीस पे करना पड़ेगा हॉस्टल चार्जेस, और बी स्टूडेंट जो है वो 26 डेज रहा और उसको 1180 रुपीस को पे करना पड़ रहा है। तो बताओ फिक्स चार्ज कितने और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज जो है हम कितने माने, फिक्स चार्ज को हम एक्स मान लेते हैं, और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो हो जाएगा हमारा वाई। ये हमने दो वैल्यूज अज्यूम कर लिए। अब देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम करते जाते हैं। तो देखो फिक्स चार्ज हमारा एक्स ही रहेगा, है ना। अब वो 20 डेज अगर वो वहाँ पे रहता है तो 20 डेज वो फूड लेगा, तो 20 इंटू वाई हो गया हमारा वेरिएबल चार्ज यानी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू कितना चार्ज लग रहा है हमारा 1000 रुपीज़। सेकेंड केस की बात करें तो फिर से फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा, वेरिएबल चार्ज 26 डेज का लगेगा और टोटल खर्चा हो जाएगा 1180। अब अपन यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं साइन चेंज करते हुए क्योंकि ईजिली हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस 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 ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। अब देखो यहाँ पर आ गया कितना, माइनस का 6y, यहाँ पर आ गया देखो सॉल्व करने पर माइनस का 180। तो सिंपली हम देखेंगे कि y की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 180 अपॉन माइनस 6, यानी कि आंसर कितना आ गया 30। बिल्कुल सही आंसर है अपना, y की वैल्यू 30 आ गई। तो आप x भी निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो भाई, बोलो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो रखते हैं वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, तो देखो हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन देख लेते हैं, x प्लस 20, y की जगह रख लेता हूँ मैं 30 इक्वल्स टू 1000 रुपीज़ था। अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा कितना 600। तो 1000 माइनस का 600, आंसर हमारा कितना आएगा 400 रुपीज़। तो देखो एक्स की वैल्यू 400 आ गई और वाई आ गया 30। तो आप देख सकते हैं कि फिक्स चार्ज तो हमारे कितने हैं 400 रुपये, जो भी आएगा वहाँ 400 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, और वेरिएबल चार्ज जो है वो कितना है 30 रुपीज़ है पर डे के हिसाब से जितना वो लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने कहा कि अब फ्रैक्शन, एक हमें फ्रैक्शन दे रखा है, तो फ्रैक्शन में देखो ध्यान रखो अपर वैल्यू होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है लोअर वैल्यू को। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम फॉर्म करते जाएंगे। इन्होंने कहा फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन जो है वो कितना बन जाता है 1/3 बन जाता है। कब बनता है, जब मैंने 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूं किसमें से, न्यूमरेटर में से। तो देखो 1 माइनस कर दिया यहां पे और ये 1/3 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x-1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 3x-3 इक्वल्स टू y। तो इक्वेशन हमारी फाइनली कितनी हो जाएगी 3x-y इक्वल्स टू 3, ये होगी कंडीशन हमारी फर्स्ट। सेकंड कंडीशन को देखते हैं, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। यहां पर इन्होंने क्या कहा कि इट बिकम्स 1/4 जब हम इसमें से when 8 is added टू द डिनोमिनेटर। तो 8 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो जाएगा कितना 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8। तो ये हो गया 4x-y इक्वल्स टू 8, ये हो गई कंडीशन हमारी सेकंड। अब क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सस्ता सुंदर सा टिकाऊ। अब देखो यहाँ पे 3x-y इक्वल्स टू 3 और यहाँ हो जाएगा 4x-y इक्वल्स टू कितना 8। साइन चेंज करो माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर बचा माइनस का 1x और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो x की वैल्यू सिंपली कितना आ गया 5 आ गया, याद रखना इसको। अब y की वैल्यू निकालने चलते हैं तो 3x की जगह रख देता हूँ मैं 5-y इक्वल्स टू 3। ये था अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये वैल्यू जनरेट करी थी, ठीक है। अब देखो आगे देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 15, है ना, 15 आ गया यहाँ पे, 3 5 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3-15, है ना। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 12 और यहाँ आ गया माइनस का y, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 12, तो y अपना आ गया है 12 और x आ गया अपना 5। ने कहा कि यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब उसके 40 मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स उसको राइट होने के और 1 मार्क्स उसको रॉन्ग होने के मिल रहे हैं, है ना। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, देन यश वुड हैव स्कोर 50। अगर 4 मार्क्स मैं उसके राइट आंसर के और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के अगर डिडक्ट करता हूँ तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं। तो बताओ कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में, ये हमें पता लगाना है। नंबर ऑफ राइट आंसर वो कितने हैं, उनको हम मान लेते हैं x, ठीक है, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर वो कितने हो जाएंगे y, ठीक है। ये हमने दो अज्यूम कर लिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम इसको फॉर्म करते जाएंगे। इनके 40 मार्क्स कब आए, जब 3 मार्क्स राइट आंसर के मिले, यानी कि 3x प्लस
प्लस या माइनस करेंगे, बोलो भाई प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा है ना, 3x माइनस कितना 1y इक्वल्स टू इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारी 40, मतलब कि 3 सही आंसर के और 1 रॉन्ग आंसर के मिला के इसको 40 मार्क्स आ रहे हैं है ना। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरी इक्वेशन में हमें क्या कहा, 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, यानी 4 इंटू एक्स और दूसरा कितना हो जाएगा 2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर यानी माइनस का 2y, देन आंसर वुड बी 50। तो टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं इसके, 50 आ रहे हैं। देखो यहाँ 3 इंटू एक्स या 4 इंटू एक्स इसलिए मैंने किया, देखो 3 नंबर है हर एक क्वेश्चन के, तो मान लो 4 आंसर करेक्ट है तो 4 इंटू 3 कर देंगे है ना, तो ये x इंटू 4 एक्स इंटू 3 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब देखो क्या करेंगे इनको सेम बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरी इक्वेशन को माइनस के, माइनस के नहीं केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 2y इक्वल्स टू 80 और यहाँ पर इक्वेशन हमारी हो जाएगी कुछ इस तरीके से 4x माइनस का 2y इक्वल्स टू 50। अब देखो साइन चेंज करना है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे माइनस का, अब देखो ये हो गया कितना 2x हो गया है और इधर हम देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 80 माइनस 50 हो गया कितना 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 अपॉन 2 यानी 15, तो x हमारा 15 जनरेट हो गया। y निकाल देते हैं तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो x की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1y इक्वल्स टू 40 कर दिया, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 1y इक्वल्स टू 40 है ना। अब माइनस का 1y इक्वल्स टू हो गया 40 माइनस 45, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया माइनस का 5 और यहाँ आ गया माइनस 1y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया अपना 5 और x आ गया हमारा 15, यानी हर एक राइट आंसर के, राइट आंसर वाले कितने क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है 15 और रॉन्ग कितने हैं 5, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ऐड कर देते हैं दोनों को तो 15 प्लस 5 यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल थे जिसमें से 15 राइट थे और 5 हमारे रॉन्ग थे।